को लेकर जिस तरीके से मीडिया में चर्चा हो रही है, जिस तरीके से उसको उछाला जा रहा है और सारे राजनीतिक दल उसको उछालने में लगे, भाई बलरामपुर की घटना के बारे में सबने मौन साथ रखा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा और ना ही उसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, ना उसके बारे में कोई चर्चा कर रहा है, जबकि वहाँ दो मुसलमान युवकों ने उस युवती के साथ जो रेप किया है और उसको उसकी हत्या की है, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भी पक्षपातपूर्ण तरीके से ही कार्य करती हैं। और वहीं राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं कहीं भी क्यों ना हो निंदनीय हैं और दोषियों को अवश्य सजा देनी चाहिए। हमारा मानना है कि जो रेप कांड के दोषी हैं उन पर जाँच करने के बाद उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि रेप कांड जैसे हुआ है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, वो केवल केवल हाथरस के लिए ही क्यों, बलरामपुर के लिए क्यों नहीं, राजस्थान में जो कांड हुआ उसके लिए क्यों नहीं, सिरोही में जो कांड हुआ उसके लिए क्यों नहीं। और जो यहाँ तक कि जो सबसे घृणित बात है कि 2 साल की बच्ची के साथ में दुराचार हुआ उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, तो मतलब कहीं भी जो इस कांड के दोषी हों उनको तो कड़ी से कड़ी सजा दी ही जानी चाहिए, चाहे वो बलरामपुर कांड हो, चाहे वो सिरोही का कांड हो, या राजस्थानी घटना हो, या उत्तर प्रदेश की घटना हो, बुलंदशहर का कांड हो, कोई भी हो, जो उनका जांच करने के बाद जो दोषी है उनको निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।